दादा साहब में एक सबसे अच्छी बात थी कि ना वो बहुत ऑनेस्ट ईमानदार, जब वो आए तो उससे पहले शायद जोनल सिस्टम था कि यू नो साउथ के प्लेयर डोमिनेट करते थे, वेस्ट के प्लेयर डोमिनेट करते थे, पर जब गांगुली साहब आए तो गांगुली साहब ने झारखंड से भी प्लेयर उठाए, इलाहाबाद से उठाए, बड़ौदा से आ गया, तो उनके लिए कोई बड़ा छोटा शहर नहीं, उनके लिए अगर आप में टैलेंट है, अगर आप मैच जिता सकते हो भारत को, स्वागत है आपका। बायर ये बेस्ट काम गांगुली के टाइम पे हुआ है। हाँ। फिर धोनी साहब ने टुक ओवर किया, हमेशा लोग बात करते हैं धोनी अच्छा गांगुली अच्छा, भाई गांगुली साहब का जो योगदान था, जो सफर था, जो योगदान है वो अलग था। उस टाइम पे उन्होंने टीम बनाई, बुलाई, धोनी को पिक किया, वो टेम्पलेट बनाना भी बड़ी बात है, को लेके आए, पहले उन्होंने स्क्वाड बनाया और प्लेयर को बैक किया। जी प्लेयर को बैक किया, अगर मुझे याद है कि जो मेरा रोल था नंबर सात पे, जी नंबर सात पे मुझे गांगुली साहब ने कई बार बोला कि यार कैफ मुझे पता है नंबर सात पे ना ओवरसीज कंडीशन में शायद ज़्यादा ओवर मिल जाए कि वहाँ स्विमिंग कंडीशन होती तो बल्लेबाज जल्दी आउट होते हैं, पर इंडिया में जब होता है सब कॉन्टिनेंट में तो वहाँ सहवाग साहब हैं, सचिन हैं, द्रविड़ है, लक्ष्मण है, ये बारी आपके आने देंगे नहीं। तो मुझे पता है कभी तीन ओवर खेलने को मिलता है, कभी चार ओवर, कभी दो बॉल, तो आपको जाके मारना होता है टीम के लिए बस। तो ये बात ही बोलना कि मतलब आप देखिए वो उनको कनेक्ट करना आता है प्लेयर से, मनोबल बढ़ता है ना भाई, कनेक्ट करना आता है कि भाई बंदा फिर ना ऐसा हो जाता है कि अपनी जान निछावर कर देंगे भाई, जान निछावर भाई, गांगुली साहब आप बोलो, हुक्म करो। हाँ। हुक्म करो, हाजिर रहे, ऐसे गिरने के लिए तैयार थे, डाइव मारो, ये करो, कुछ तो करके दिखाना है गांगुली के लिए, भारत के लिए, क्योंकि वो ऐसा बंदा था कि उसने आके बताया कि बॉस तुम 30 बॉल 30 रन बनाओ मेरे लिए 100 के बराबर है, क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिलता, मौका तुम नंबर सात जाते हो, आपके पास इतने मौके नहीं ओवर खेलने के, पर 30 रन 30 बॉल मेरे लिए आपने अपना काम कर दिया, बाकी दुनिया के बोल रही हो छोड़ दो आप, शायद तुम्हें स्टैट में तुम्हारे 50 वहाँ नहीं आए कि यू नो अगर कोई मेरा स्टैट देखेगा यहाँ कितने तुम्हें 50 बनाए करियर में, करेक्ट, तो शायद वहाँ तुम्हारा नाम ना आए, पर मेरे लिए आप बहुत अहम खिलाड़ी हो, फिनिशर हो, आप फिनिशर हो, और आपने जो काम जो कर रहे हो वो और लोग नहीं कर पाएंगे। जी ये भी है, जी जी, अगर मैं ओपनर को नंबर सात लाऊंगा तो वहाँ नहीं खेल पाएगा वो। तो ये सब बातें बोलना यार, मतलब ये कैसा होता है भाई, किस बंदे के लिए क्या कर दूं? आप बोलो गांगुली साहब, बोलो करना क्या है। नहीं उनकी टेम्परमेंट की बात होती ना, मेरे को ये लगता है डरते कितना थे फिर आप लोग, कि मतलब कोई भय रहता था क्या थोड़ा बहुत कि भाई कुछ बोल ले दादा तो टेंशन? जी नहीं है, या चिल था माहौल? नहीं माहौल चिल था, माहौल चिल था, क्योंकि हम लोग एक तो सीनियर प्लेयर्स थे, फिर मैं, युवराज सिंह, जहीर खान, सहवाग, भज्जी, हम सर, काफी लोग नॉर्थ इंडिया से आते हैं, तो नॉर्थ इंडिया वाले थोड़ा गबरू टाइप को आते हैं, गबरू मस्ती मजाक, तो हम लोग ज्यादा साउथ के लोग से द्रविड़ साहब प्रॉपर प्रिपरेशन फोकस, लक्ष्मण, कुंबले, जगदर, श्रीनाथ, तो साउथ वर्सेस नॉर्थ ऐसा हो गया। हम लोग थोड़ा सा खाओ पियो ऐस करो भी होता है बाद में। हाँ हम लोग थोड़ा जरा मस्ती मजाक, टांग खींचने एक दूसरे की, तो हम लोग कभी भी पीछे नहीं थे, जब भी मौका मिले गांगुली साहब का या द्रविड़ साहब का या कुंबले साहब का, अगर मौका मिलता था तो उनकी नकल करना। अच्छा, अच्छा। कुंबले साहब थे, कुंबले साहब युवराज सिंह पॉइंट पे हैं, मैं कवर्स पे हूँ, और आपको पता है अगर कवर पॉइंट पे बॉल जाएगी तो बल्लेबाज दिक्कत में, वो रन नहीं लेगा, क्योंकि पता है युवराज वहाँ से कट कर रहा है एंगल, मैं कवर से एंगल कट कर रहा हूँ बस, तो श्योर शॉट सिंगल जो मतलब बिल्कुल सिंगल हो वही मिलेगा, वही मिलेगा, बिल्कुल बीच में बॉल होगी जी, वहां भी कुंबले साहब कैफी यूवी कम ऑन यार रन नहीं है। मैं बोला भाई तो युवराज सिंह उस टाइम तो हम कुछ नहीं बोलते पर बाद में जब मैच इनिंग की ब्रेक में वो छे और मैं साथ, तो हम लोग ना शावर और लेके ना बैठते थे गप्पे बांधने, तो युवराज सिंह मुझे बोलेगा कैफी कम ऑन, मतलब भाई कैसे करेंगे, दुनिया का कोई चार पांच जॉन्टी रोड्स ले आओ वो सिंगल नहीं बचा पाएगा, वो श्योर शॉट सिंगल है वो। पर अनिल भाई को वहां भी मतलब वो परेशान कि भाई हाँ कि भाई रन कैसे हो गया। जी जी जी, तो हम लोग कभी उनकी नकल उतारना, तो बस ऐसी सफर कट गया। ये तो मेरे को नहीं पता था आप लोग एक्टिंग किया थोड़े से। नहीं नहीं, मैं हम लोग यूपी वाले यार, वो पंजाब का जहां मौका मिलता था हम लोग ऑफ कोर्स मौके में चौका, पर इज्जत इज्जत थी उनकी, इज्जत यहां है। नहीं नहीं ऑफ कोर्स, इस वजह से तो आप जी थोड़े भय में ये कर रहे हो ना कि भाई थोड़ा मजाक करके पास पा ले अपने को पीछे। हां।